हेलो फ्रेंड्स, ये देखो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले रखा है, एक प्याज भी पिसा हुआ है, ये टमाटर है, ये हाफ के जी से ज़्यादा थोड़ा पनीर है और ये मटर है, और उनको ये सब हमने पीस के पहले से ऑलरेडी रख लिया हुआ है। और ये पनीर को हम क्यूब्स में काट लेंगे। फिर हम चलते अपनी गैस की तरफ, गैस को ऑन कर देंगे। फिर हम उसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसमें थोड़े से जीरा और दो तेज़पत्ता डाल देंगे ऐसे ही खड़ा। और फिर ये हो जाने के बाद जो लहसुन और प्याज वाला पेस्ट था उसको डाल देंगे, उसका कच्चापन निकलने तक उसको पकने देंगे। देन फिर हम उसमें ऐड करेंगे वो जो मसाला हमने पिसवाया था मम्मी से, उसमें मिर्चा और धनिया और जावित्री वगैरह थी, इसको भी, ये भी अच्छे से जब पक जाएगा फिर इसमें हम थोड़ी देर बाद इनका कच्चापन, जिसमें से जब ऑयल रिलीज़ होने लगेगा फिर हम दूसरे आइटम को ऐड करेंगे। अब हमने इसको टमाटर डाल दिया, इसको भी हम थोड़ी देर तक पकाएंगे और इसमें भी जब ऑयल रिलीज़ होने लगेगा फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। इसमें हमने नमक नहीं डाला हुआ था तो हम इसमें एक चम्मच हम नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, जितना आप लोगों को पसंद हो तो नमक डालिए। और एक चम्मच कस्तूरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, और एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी। हल्दी हमने मसाले में नहीं डाली थी इसलिए हमने इसमें डाल ली है, ये मसाले वाला पनीर है इसलिए हल्दी डालते हैं, अगर शाही पनीर बनाते तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए मसाले से ऑयल रिलीज़ होने लगा है। फिर हम इसमें क्या डालेंगे, मटर डाल देंगे, मलाई रखी हुई थी तो थोड़ी सी हमने मलाई डाल दी है जिससे थोड़ा अच्छा रहता है मटर वाला टेस्ट। फिर इसमें हरी मटर को धुल के जो रखा हमने हुआ था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, हरी देखो मटर मिक्स कर दी इसमें। और फिर हम इसको थोड़ी देर तक चलाएंगे जिसमें मटर के अंदर तक मसाला वसाला मिल जाए। देखिए हरी मटर को मिक्स कर दिया है, फिर इसमें मसाला मिलने के लिए इसको थोड़ी देर तक चलाएंगे 2 मिनट तक। फिर जो हमने पनीर काट के क्यूब्स में रखा हुआ था उसको इसी में मिक्स कर देंगे, पनीर को ये मिक्स कर दिया है। और इसको भी थोड़ी देर तक चला लेंगे, चलाने का मतलब क्या है, 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे वो कर देंगे जिससे पनीर के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। उसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर आप जितने लोगों के लिए खाना बना रहे हो, मेरे वहाँ तो 7 मेंबर्स हैं, उस अकॉर्डिंग बना हुआ है, आप जितने लोगों के हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से इसमें वाटर ऐड करेंगे पनीर में। देखिए वो हो चुका है, मिक्स हो चुका है, फिर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। तो आप जितने लोगों के लिए बना रहे हो उस अकॉर्डिंग वाटर ऐड करिए, मैंने तो ज़्यादा पानी नहीं डाला था तो इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया है, ये हमारा दूध का पानी था इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, और इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है। फिर इसको मैंने पानी ऐड कर दिया है, फिर हाई फ्लेम पे 2-4 मिनट तक पकने देंगे। फिर ये पनीर मसाला था, ये इसको हम थोड़ा डालेंगे, फिर जब ये सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद, सब्ज़ी को उतारने के बाद तब बाद में डालेंगे। ये थोड़ा सा मसाला डाल दिया, बहुत थोड़ा सा। फिर इसको ऐसे चलाने के बाद इसको हम एक थाली या प्लेट से कवर कर देंगे, एक बड़ी थाली लेने के बाद। एक इसको हमने चला दिया, अब एक बड़ी थाली लेने के बाद 2-3 मिनट बस, रेयर 2-3 मिनट, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है हमको, 5 मिनट तक रख सकते हैं आप। फिर ये देखो थाली से हमने कवर कर दिया, पक गया, 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए रेडी है। जैसे देखिए क्या उड़ा रहे हो,
क्या उड़ा रहे हो? क्या उड़ा रहे हो आज इस ई लोग?